हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसका नाम था मैं किसी को नहीं मारूंगा, याद है ना? तो कल मैंने आपको कहानी बताई थी जिसका नाम था मैं किसी को नहीं मारूंगा। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एक जंगल था, उसमें एक भिक्खू नाम के एक ऋषि रहते थे। तो वो कहाँ जंगल में रहते थे? कुटिया में रहते थे। जिस कुटिया में वो रहते थे उसके आसपास बहुत सारे हिरण आया करते थे। वहाँ पर क्या करते थे, दो हिरण थे जो आते थे जंगल से, वहाँ पर घास चरते थे, वहाँ पर खेलते कूदते थे और जो पेड़ बने थे पेड़ की छाया में वो रहते थे। विभू उनको देखता था तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि अरे ये हिरण यहाँ आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, रहते। तो विभू जब ये सारी चीज़ें देखा करते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ था, एक दिन जब विभू आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, आम की वृक्ष के नीचे, मैंने आपको बताया था ना कि वृक्ष का अर्थ क्या होता है, वृक्ष यानी कि पेड़, ठीक है? तो एक दिन जब वो आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने देखा कि जो हिरण रोज आते हैं उनकी कुटिया के बाहर, वहाँ खेलते हैं, हरी हरी घास खाते, वो दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। तो विभू सोचे कि अरे ये दौड़ते हुए क्यों आ रहे हैं। फिर उन्होंने देखा ध्यान से तो उनके पीछे एक आदमी दौड़ता हुआ चला आ रहा था, जो कि कौन था, शिकारी था। वो उन दोनों हिरण को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला आ रहा था हिरण के। वो हिरण दोनों गए और पेड़ के पीछे जाके छुप गए। फिर विभू उस शिकारी के पास गए, बोले कि तुम शिकार नहीं कर सकते। तो वो गुस्सा हो जाता है, कहता क्यों ऐसा नहीं हो सकता, मैं शिकारी हूँ, मैं शिकार करने आया हूँ, मैं शिकार ज़रूर करूँगा। फिर विभू ने कहा कि ये हिरण मेरे पास रहते हैं तो मैं इनकी रक्षा करूँगा, तुम इन्हें नहीं मार सकते। तो उसने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो इन्हें ज़रूर मारूँगा। विभू ने क्या किया, फिर विभू ने बोला कि तुम्हारी सबकी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से लौट जाओ। थोड़ी देर तो शिकारी कुछ सोचा, फिर उसके बाद बोला ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और मैं कभी भी किसी भी जीव को नहीं मारूंगा। और इसी के साथ शिकारी वापस लौट गया और दोनों हिरण फिर से बाहर निकल के आए, जैसे पहले खेलते थे वैसे खेलने लगे, हरी हरी घास खाने लगे और पेड़ की छाया में बैठ के आराम करने लगे जैसे कि वो पहले रहते थे। ये सब देखकर विभू फिर से बहुत खुश हो गए, है ना? ये कहानी तो मैंने आपको सुनाई थी कल। अब आज हम लोग क्या करेंगे, इस कहानी में कुछ कहानी के बाद आपकी किताब में कुछ प्रश्न उत्तर है, यानी कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको देने हैं। लेकिन वो उत्तर आप कब दे पाएंगे, जब आपको ये कहानी पता होगी, है ना? मैंने आपसे बोला था कि एक बार आप घर पर इसे फिर से रीडिंग करिएगा, फिर से पढ़िएगा, तो आप सबने पढ़ा ही होगा। और देखिए आज मैंने फिर से आपको वही कहानी शॉर्ट में बता दी, है ना? तो चलिए अब इस प्रश्न उत्तर को करते हैं और देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है, ठीक है? तो देखिए पहला प्रश्न दे रखा है, विभू कहाँ रहते थे? आप जब मैंने आपको कहानी बताई थी तो उसमें क्या बताया था मैंने, विभू कहाँ रहते थे? यस, विभू जंगल में रहते थे। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका उत्तर विभू जंगल में रहते थे। और जहां पर आपका उत्तर खत्म हो जाता है वहां लगाते हैं पूर्ण विराम, ठीक है? और जहां पर प्रश्न होता है वहां पर लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, इस चीज को याद रखिएगा। और देखिए छोटा सा ही आंसर है, पूरा जो पहले प्रश्न पूछा है विभू कहां रहते थे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप कहाँ छुपा दो, कहाँ की जगह आपको क्या लिखना है, जंगल। बाकी देखो सेम है ना आंसर, आप कहाँ हटा दीजिए तो विभू, फिर कहाँ की जगह हम लिख देंगे जंगल में, फिर रहते थे वैसे लिख देंगे। तो कितना आसान है याद करना, आपको याद क्या करना है, केवल इतना जंगल में, बाकी तो सारा प्रश्न में ही दे रखा है ना। प्रश्न क्या है, विभू कहाँ रहते थे, तो कहाँ की जगह आपको क्या लिखना है, जंगल में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विभू जंगल में रहते थे, ठीक है? और कितना आसान है, आपको याद भी हो गया होगा। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है, शिकारी वहाँ क्यों आया? तो शिकारी वहाँ क्यों आया था,
शिकारी वहां शिकार करने आया था। तो यहाँ आप लिखेंगे शिकारी वहां शिकार करने आया। इसके बाद आएंगे पूर्ण विराम, क्योंकि ये उत्तर है और जहां पर उत्तर हमारा समाप्त हो जाता है वहां हम लोग क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। और जहां प्रश्न पूछा जाता है वहां क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, तो शिकारी वहां क्यों आया? क्यों आया था शिकारी वहां? मैंने आपको कहानी बताया था ना कि शिकारी वहां शिकार करने आया। शिकार करने ही तो आया था, वो दो जो हिरण थे जो मृग थे उनका शिकार करने के लिए शिकारी आया था ना। फिर देखिए शिकारी ने मृग को क्यों नहीं मारा? तो बताइए शिकारी ने मृग को क्यों नहीं मारा था? किसी को पता है इसका उत्तर? जब देखिए उनको विभु ने समझाया कि तुम यहाँ से लौट जाओ, इसी में सबकी भलाई है, तो शिकारी ने कुछ सोचा, फिर उसका क्या हुआ? मन बदल गया और उसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और कभी भी किसी भी जीव को नहीं मारूंगा। यानी उसका मन बदल गया। तो शिकारी ने मृग को क्यों नहीं मारा? तो मन बदल जाने के कारण, मन बदल जाने के कारण शिकारी ने मृग को नहीं मारा है ना। क्यों नहीं मारा था शिकारी ने? क्योंकि उसका मन बदल गया था, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ये उत्तर तो बहुत लंबा हो गया, इसको हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए इतना लंबा नहीं हुआ है। शिकारी ने मृग को क्यों नहीं मारा ये प्रश्न पूछे हैं। फिर आपको याद करना है मन बदल जाने के कारण। कितना सा याद करना है? बस इतना सा ना, मन बदल जाने के कारण। फिर देखिए शिकारी ने मृग को नहीं मारा। शिकारी ने मृग को क्यों हटा देंगे नहीं मारा? ये तो पूरा प्रश्न से ही लिया गया है ना, क्योंकि इतना छोटा सा आंसर लर्न करना है आपको। बस इतना सा, मन बदल जाने के कारण। यानी जब शिकारी को विभु ने समझाया कि आप इन मृगों को मत मारिए, आपको नहीं मारना चाहिए, शिकार नहीं करना चाहिए, तो क्या हुआ? उस शिकारी का मन बदल गया और उसने कहा कि मैं कभी किसी जीव को नहीं मारूंगा। फिर विभु ने कहा था कि जीते रहो पुत्र। लेकिन जब विभु ने समझाया शिकारी को तो क्या हुआ था? उसका मन बदल गया था, फिर उसका शिकार नहीं किया होता है ना। तो प्रश्न था शिकारी ने मृग को क्यों नहीं मारा? मन बदल जाने के कारण शिकारी ने मृग को नहीं मारा। चलिए एक बार फिर से सारे प्रश्न उत्तर देखे थे जितना हम लोगों ने किया है। पहला प्रश्न था विभु कहाँ रहते थे? आप कहानी में आपने पढ़ाया था कि विभु जो थे वो कहाँ रहते थे? तो विभु जंगल में रहते थे। और आपको याद क्या करना है? बस इतना सा, जंगल में। विभु प्रश्न में दिया गया है, रहते थे भी प्रश्न में दिया गया है, में क्या है? जंगल में। अगर इतना आपको याद रहेगा तो आप लिख लेंगे ना। तो विभु कहाँ रहते थे? विभु जंगल में रहते थे। शिकारी वहां क्यों आया? अब आपने जो कहानी पढ़ी तो आपको पता चला था शिकारी क्यों आया, शिकार करने आया था उन दो हिरण का, याद आया? तो शिकारी वहां शिकार करने आया। इसमें भी क्या है? शिकारी, ठीक है, वही लिखा है वहां। क्यों हटा के लिख देंगे? शिकार करने। फिर देखिए आया तो प्रश्न में ही दे रखा है, ये भी कितना आसान है। केवल इतना सा आपको याद रखना है, बाकी प्रश्न में दे रखा है। केवल इतना याद करना है, बाकी प्रश्न में दे रखा है। फिर यह शिकारी ने मृग को क्यों नहीं मारा? तो मन बदल जाने के कारण। फिर देखिए शिकारी ने मृग को नहीं मारा, शिकारी ने मृग को नहीं मारा। इसमें भी आपको कितना याद करना है? इतना ही, बाकी सारा आपके
प्रश्न में दे रखा है। तो हो सकता है आपको ये वाला आंसर लग रहा हो कि बहुत लंबा है, लेकिन लंबा नहीं है, बस इतना सही है, बाकी आपको प्रश्न में से ही मिल जाएगा, है ना। पहले प्रश्न में बस जंगल में, दूसरे प्रश्न में शिकार करने को, तीसरे प्रश्न के उत्तर में मन बदल जाने के कारण, और बाकी सारी चीज तो प्रश्न में ही दे रखी है ना। और आपने जब कहानी पढ़ी है तो वैसे भी याद हो गया होगा, विभू कहाँ रहते थे, विभू जंगल में रहते थे, शिकारी वहां क्यों आया, शिकारी वहां शिकार करने आया, शिकारी ने मृग को क्यों नहीं मारा, मन बदल जाने के कारण शिकारी ने मृग को नहीं मारा, है ना। तो आपको क्या करना है, इन सारे प्रश्नों को, प्रश्न और उनके उत्तर को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, लेकिन क्या चीटिंग नहीं करनी है, पहले इनको देखना है, याद करना है, उसके बाद आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। हाँ, अगर आप कहीं भूल जाते हैं तब आप देख सकते हैं, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है कि आपने देखा सारा और कॉपी में लिख लिया। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको याद ही नहीं हो पाएगा, फिर एग्जाम में जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। तो कैसे करेंगे, पहले देखिए प्रश्न तो आपकी किताब में ही दे रखे हैं, जब आप अपनी बुक खोलेंगे मैं किसी को नहीं मारूंगा पार्ट, फिर उसके बाद आगे जब पेज पलटेंगे तो उसके बाद आपको मिलेंगे ये प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न सारे आपकी किताब में ही दे रखे हैं, उत्तर को बस आपको पढ़ लेना है, और कैसे याद करना है ये मैंने आपको बताया ही है ना। फिर आपको याद करने के बाद इन्हें कॉपी में लिखना है, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है, लर्न करने के बाद लिखेंगे ना। तो क्या होगा, जब आपके एग्जाम होंगे तो आपको बार बार नहीं लर्न करना पड़ेगा, जब आपने अभी से ही लर्न कर लिया तो केवल एक बार रिवीजन करना होगा, है ना। और जब आप चीटिंग करके लिख लेंगे तो आपको याद ही नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, पहले लर्न करना है उसके बाद राइट करना है, ओके। तो आज हम लोग मैंने आपको एक बार स्टोरी फिर से पढ़ा दिया, कन्वर्सेशन करा दिया, उसके बाद ये क्या बताया आपको, प्रश्न उत्तर बता दिए, उसके बाद कुछ और कठिन शब्द होंगे जो मैं आपको दूंगी, जिनको आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा, वो मैं आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ही दे दूंगी, तो आप उसमें से लिख लीजिएगा, उसको देख देख के एक बार लिखिएगा, लेकिन प्रैक्टिस करिएगा कि आप लिखना भी सीख जाए, है ना, क्योंकि अब पढ़ना तो आपको आ गया है। फिर धीरे धीरे जब कोई आपको कोई वर्ड डिक्टेट करे, यानी जब कोई आपको बोले कि ये लिख के दिखाओ, तो आपको अपने आप भी लिखना आना चाहिए ना। तो क्या करना है, आपको उन वर्ड की प्रैक्टिस करनी होगी, उन शब्द की प्रैक्टिस करनी होगी, उनको लिख के देखना होगा कहाँ पर कौन सी मात्रा लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, कोई शब्द अगर कोई बोलता है कि ये लिख के दिखाओ तो उसमें किस किस मात्रा की आवाज़ आ रही है, आपको कैसे लिखना होगा। जैसे यहाँ मैं आपको एक चीज बता दी, कोई एक उदाहरण बताती हूँ, जैसे आपसे किसी ने बोला कि लिख के दिखाओ शिकारी, अब उसने बोला शिकारी, तो आपको श सुनाई देगा, शिक यानी छोटी की मात्रा, तो आप उसमें लगा देंगे छोटी की मात्रा, फिर उस शिकारी का की आवाज आ रही है ना, का पे किसकी मात्रा आ, फिर रि यानी रा के साथ बड़ी की आवाज है, तो हम लगाएंगे बड़ी की मात्रा। ये हो गया हमारा एक शब्द, कितना आसान था, बस आपको ध्यान से सुनना है कि अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है कि ये शब्द लिख के दिखाओ, तो आपको सुनना है कि उस शब्द में किस किस मात्रा की शब्द मात्रा की आवाज़ कहाँ पर आ रही है, तब वो शब्द आप बहुत आसानी से लिखना सीख जाएंगे, है ना। फिर कोई ये भी नहीं कहेगा कि अरे आप तो क्लास वन में आ गए हैं, अभी आप ये भी नहीं लिख पाते, लेकिन ये कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो मैं अभी आपको कुछ कठिन शब्द दे दूंगी जो आपको कॉपी में लिखना होगा, ये प्रश्न उत्तर भी क्या करने हैं, पहले याद करने हैं उसके बाद कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कल वाले वीडियो में हम लोग आगे की चीज को जानेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगी और पढ़ाऊंगी।